बॉम्बे प्रेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं वडाला ब्रिज की, जहां मोनोरेल रेल जो है शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं कैमरे में आपको ये बोर्ड बताया जा रहा है, उसके वहां पर एक छोटा सी झोपड़ा है, वहां से ड्रग्स सप्लायर जो है वो ड्रग्स के सप्लाई करते हैं, जिसमें कॉरेक्स सिरप, नशेड़ी और बहुत से ऐसे नींद की गोलियां ये लोग यहाँ से सेल करते हैं। एमडी भी बेचा जाता है यहाँ से, आप देखिए जूम करके आपको बताया जा रहा है। और गांजा भी वहाँ से सेल किया जाता है। तो वडाला पुलिस क्यों आखिर में चुप है, क्यों इसके ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है? कई सालों से ये कारोबार इनका चलता आ रहा है और इसमें महिला भी मौजूद है। आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, एक एजेड महिला वहाँ पर बैठी हुई है। हमारे कैमरे के माध्यम से बताया जाएगा, देखिए आप, झाड़ू वाले के बाजू में बैठी हुई है वो। वही लोग जो है ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, और आजकल के जो बच्चे हैं वो उसमें बहुत जल्दी इस ड्रग एडिक्ट में शामिल हो जाते हैं। तो आखिर में हम हमारे बच्चों को हिफाजत में कैसे रख सकेंगे अगर ऐसे ही ड्रग्स माफिया ड्रग्स बेचते रहेंगे? तो हमारी महाराष्ट्र का सरकार से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और ऐसे ड्रग्स पैडलर जो है वो सलाखों के पीछे हो। अभी देखना ये है कि इसके ऊपर कब कार्रवाई होती है और क्या सज़ा दी जाती है ऐसे ड्रग्स पैडलरों को। ये देखिए, यही वो झोपड़ा है, और दीवार के पीछे से भी लोग आते हैं, ड्रग्स सप्लाई करते हैं। कहीं कॉरेक्सो की वहाँ पे बोतलें मौजूद है उनके पास में। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।